सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल है आप सबका। और मैं आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके, और आज है ईद। सो आप सभी को मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह के बज रहे 6:30, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए 6:30 बज रहा है, 6:30 बज रहा है, और मैं और भाई दोनों जन उठ चुके हैं। सो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, सो नमाज पढ़ के आएंगे और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग ईद का नमाज पढ़ के आ चुके हैं। ये देखिए भाई मेरे साथ यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक गाइस, सबके तरफ से, मतलब हमारे फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत शुभेच्छा। देखिए भाई कैसे लग रहे हैं आज, देखिए एकदम वाइट वाइट पठानी, मतलब वाइट पंजाबी में, और देखिए यहाँ पे लगाए हैं सऊदी अरब के लोगों के, है ना। और देखिए मैंने तो टोपी डाला है, और देखिए ये मेरा शेरवानी पठानी, भाई क्या बोलते हैं इसमें, शेरवानी की पठानी, काटन पठानी। ये देखिए कैसा लग रहा है गाइस, बताइए जरा। और सिस्टर वहाँ पे अभी सेवैया बना रही है सामने, गर्मी में पसीना पसीना हो रही है, तो अभी नहीं दिखाऊंगा। जब वो बोले कि जब ही सज लगी तभी बोल रही कि मेरे को ब्लॉग मिलना है। लेकिन ये देखिए अब्बा को मैंने वीडियो कॉल किया है गांव में, ब्लॉग में, ईद मुबारक अब्बा। अब्बा सलाम दे रहे, ब्लूटूथ में लगा हुआ है इसके लिए आवाज़ नहीं आ रहा है गाइज। ईद मुबारक भी बोल रहे अब्बा, बोल रहे कि आप सबको ईद मुबारक। हाँ, और अब्बा कैसा तबीयत है, तबीयत अच्छा है ना। हाँ ठीक है। और अम्मी कैसी है। सो गाइस, आप लोग आइए और हमारे साथ में ईद का सेवैया खाइए। इधर आइए, ये देखिए मेरी सिस्टर ने, छोटी बहन ने बनाया है सेवैया। सो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। हाँ, तो आप लोग हमारे साथ में ज्वाइन कीजिए और खाइए ईद में सेवैया हमारे साथ। और हमारे तरफ से आप सबको ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी को मेरे तरफ से थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, इतना प्यार देते हो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब इतना खुशी हो रही है कि आप लोगों को, मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे आप लोग प्यार करते रहिए, और ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये लीजिएगा, चालू करो। आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लीजिए। अभी बज रहा है कितना, 8:45, और नाश्ता करके जस्ट बाहर आए। और देखिए ये बच्चे सब्सक्राइबर मेरे एरिए के, बोलो ईद मुबारक, बोलो मेरे फैमिली के ईद मुबारक गाइस। ये बच्चे लोग की तरफ से, क्या नाम है आपका, अमान, ये भी सब्सक्राइबर ही है ना। हाँ। सब्सक्राइबर। और आपका नाम हसनैन, अरे माशाल्लाह अच्छा नाम। और देखिए यहाँ पे भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आ नहीं रहे वीडियो में, चश्मा अच्छा लग रहा है भाई। सो गाइज, अभी मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत बादल भी है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, है ना, पार्टी होने वाली है। हाँ, पार्टी होने वाली है। सो आज ईद है तो ऐसे ही पार्टी होने वाली है गाइज। सो आप लोग खुश रहिए, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, वीडियो के साथ बने रहिए। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 10:30, देखिए। सो अभी सिस्टर बना रही है चिकन बिरयानी, आप लोग को दिखाता हूँ, अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो आप लोग देखिए। ये देखिए यहाँ पे बासमती राइस को उबाल के रखा गया है, देखिए बासमती राइस है। और ये देखिए कांदा को फ्राई करके रखा गया है, और ये पटाटा भी फ्राई करके रखा हुआ है, देखिए। और यहाँ पर है ये चिकन। सो अभी चिकन का मसाला बन रहा है,
सो ये अलग से आएगा, फिर उसके बाद फिर चावल आएगा, दही आएगा, घी आएगा, फिर उसके बाद कांदा आएगा, बटाटा आएगा, सब मिक्स करके फिर उसके बाद दम में चढ़ा देंगे गैस कम करके। फिर उसके बाद जब बिरयानी बनता है तो आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ कि बिरयानी कैसे बनता है। हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बन रहा है यहाँ पे। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद चिकन दम बिरयानी बन रहा है और बहुत एक्साइटेड की भाई खाने के लिए। पूरे एक महीने बाद, एक महीने नहीं वैसे भी मतलब 3-4 महीना हो गया है कुछ चिकन दम बिरयानी खाया नहीं। सो गाइस, देखते हैं आज कैसा बनता है। टेस्टी तो टेस्टी तो बनेगा ही, क्योंकि सिस्टर और भाई मतलब दोनों जन मिलके बना रहे। तुम अकेले बना रहे कि भाई भी बनाएगा साथ में? हाँ अकेले, हाँ सिस्टर अकेले बना रही है। सो गाइस, ये देखिए हैदराबादी दम बिरयानी बनके रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब हरा, नीला, लाल, पीला, वाइट, सब मिक्स अलग अलग कलर का राइस है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होगा। सो अभी शुरू करता हूँ, फटाफट से खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आज शाम को हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और अभी बज रहा है कितना, देखिए 6 बजने का है, तो 7:30 बजे हम लोग का शो है। टिकट हम लोगों ने बुक कर लिया है, KGF 2 देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग, मैं और भाई दोनों जन जा रहे हैं। भाई भाई एक्साइटेड हो ना? एकदम मस्त है ना? हम दोनों ही सोच रहे थे कि हम दोनों, देखिए वाइट वाइट पहने एकदम दोनों जन ने, सफेद सफेद, और आ जा रहे तो मिलते आप लोगों से। हम लोग फाइनली मॉल में आ चुके हैं, ये बाइक पार्किंग किया और वो देखिए आपको दिखाता हूँ मॉल, वो देखिए सामने मॉल है। ये मॉल है कांदिवली ग्रो हिल्स मॉल, 101 मॉल है। सो अंदर जाते देखते। गाइस, हम लोग अभी मॉल के अंदर आ चुके हैं और बज रहा है 6:30। 1 घंटे में हम लोग का अभी शो चालू हो जाने वाला है KGF 2। आप लोग को मॉल का टूर करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग भी हो चुका है, जैसे काबिल मूवी में एक शूटिंग है, दर्शन और जो हीरोइन रहती है वो दोनों बिछड़ जाते हैं, तो इसी जगह पे ही भीड़ रहता है, यहीं जगह पे, इसी जगह पे शूटिंग होता है, यहाँ पे स्टेज बना हुआ रहता है। सो देखिए ये ग्रो स्मॉल, बहुत सारी यहाँ पे शूटिंग होती है। एक दिन आया था मैं, सो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत और जैकलिन फर्नांडिस का शूटिंग चालू था बाहर। सो ऐसे बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग यहाँ पे होते रहता है। सो बाई चांस कभी अगर शूटिंग हुआ तो आप लोग को दिखा सकता हूँ, यहाँ पे कभी आ गया बाई चांस तो आप लोग को दिखा दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या शूटिंग होता है। सो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं, अभी 10 मिनट में चालू होने वाली है शो। सो वेट करते और आप लोगों को दिखाते थोड़ा सा। हटाए छुपी हुई धूल जो सफाई की आम तरीके पीछे छोड़ दी। पहले एंट्री के
बढ़ेगा। गाइस अभी पिक्चर ख़त्म हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी था, देखा एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी था। आई थिंक 2.5-3 घंटे का मूवी था। अभी बज रहा है 10:45, तो 7:45 से 3 घंटा, पूरा 3 घंटे का मूवी था। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लगा। सो अभी हम लोग मॉल के अंदर ही है और अभी हम लोग जाएंगे सीधा घर पे, यहाँ से निकल। सो गाइस आज का वीडियो यहीं तक ही था और घर पे जाके वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सो आप लोग वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल में आते हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।